हेलो एवरीवन, आप सभी को फिर से एक बार स्वागत करता हूं मेरे एक नया टेक वीडियो में। फ्रेंड्स, आज जो मैं आपको स्कैम का स्टोरी बताने वाला हूं, दिल दहल जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप एक एफडी यूजर है, मतलब फिक्स डिपॉजिट आप भी किए हैं, और आपने फिक्स डिपॉजिट किस लिए किए हैं कि मेरा ये जो फंड मैंने इकट्ठा एक साथ डाले हैं, कुछ साल बाद कुछ बड़ा अमाउंट मिलेगा, उसके बाद हम कुछ करेंगे उस पैसा को लेके। तो फ्रेंड्स, कुछ फिक्स डिपॉजिट को लेके स्कैम हुआ है। हम लोग स्कैम तो देखे हैं, कैसा हम लोग किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड किया है या एटीएम कार्ड डिटेल शेयर कर दी हैकर को, शेयर करने के बाद अकाउंट से पूरा पैसा गायब हो गया है। बट ये आपने सुने हैं कि फिक्स डिपॉजिट का पैसा भी गायब हो गया है, कुछ इस तरह का ही हुआ है। फुल डिटेल्स आपको बताने वाला हूँ, किस तरह से आप फिक्स डिपॉजिट स्कैम से बच सकते हैं, फुल जानकारी मैं देने वाला हूँ। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं इस तरह का टेक वीडियो डेली आप लोग लाता हूँ जो आपका काम पे आए। फ्रेंड्स, कुछ ऐसा ही हुआ है, एक रिटायरमैन, एक ओल्ड मैन का कुछ रिटायरमेंट के बाद जब कुछ फंड मिला था, उस फंड को एक प्राइवेट बैंक में फिक्स डिपॉजिट किया था, और फिक्स डिपॉजिट करने के बाद उनके पास एक कॉल आया, और उसके बाद उनका फिक्स डिपॉजिट तोड़ के हैकर लोग पैसा ले लिया। तो फ्रेंड्स, फुल डिटेल्स में आपको बताने वाला हूँ कैसे स्कैम हो रहा है और किस तरह से आप बच सकते हैं। अगर आप फिक्स डिपॉजिट किए हैं, आपका भी फिक्स डिपॉजिट है किसी सरकारी बैंक में या किसी प्राइवेट बैंक में, तो आपके पास भी कभी भी ये कॉल आ सकता है, और इसके बाद ये स्कैम आपके साथ हो सकता है। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ जिस टाइम में, कुछ ही टाइम पहले मेरे पास एक कमेंट आया, मैं देखा उस टाइम में उनका 8,000 रुपये चला गया, अभी सो हो रहा है कमेंट आपके पास। तो मैं तुरंत उनको रिप्लाई किए कि आपके साथ स्कैम हो चुका है। तो आप सोच सकते हैं कि दिन में इंडिया में कितना लोगों के साथ ऑनलाइन स्कैम हो रहा है। तो इस ऑनलाइन स्कैम को रोकने के लिए हम लोगों को जानकारी रखना होगा, तभी हम लोग सुरक्षित रह सकते हैं इस डिजिटल टाइम में। फ्रेंड्स, ये जो स्कैम मैं आपको बता रहा हूं, ये जो फिक्स डिपॉजिट स्कैम, ये स्कैम कलकत्ता में हुआ है। फ्रेंड्स, एक बीएसएनएल स्टाफ जिनका रिटायरमेंट हो गया है, रिटायरमेंट के बाद जो फंड मिला था, वो फंड एक प्राइवेट बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर दिया था। तो उनके पास एक दिन एक कॉल आया सुबह में। कॉल आने के बाद उनको बताया गया कि दिन ब दिन जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, सारा चीज ऑनलाइन हो जाएगा, तो एक नया वॉलेट है, आप रजिस्टर कर लीजिए, इनमें से आप बहुत सारा काम कर सकते हैं। तो उनको इस तरह का बात बताया गया फर्स्ट टाइम कि सारा चीज ऑनलाइन जा रहा है, तो आप भी अगर इस वॉलेट में रजिस्टर कर लेते हैं तो बहुत सारा काम आपका आसान हो जाएगा। तो उसी टाइम में उनको बोला गया कि आप अपना फ़ोन के अंदर जाइए, वहाँ पे एक एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। कौन सा एप्लीकेशन? क्विक सपोर्ट। आप लोग ये नाम जरूर ध्यान दीजिएगा कि कभी भी फ़ोन करके कोई भी हो, चाहे आपका बैंक से ही हो, कभी भी गलती से भी क्विक सपोर्ट एप्लीकेशन को यूज़ नहीं करिएगा, डाउनलोड नहीं करिएगा क्विक सपोर्ट एप्लीकेशन। अगर आपको जानते हैं कि क्विक सपोर्ट एप्लीकेशन क्या करता है तब ठीक है, बट कभी भी अगर आपको पता नहीं है, आपको बोला जा रहा है कि आपको तरह तरह का बात बोला जा रहा है, उस टाइम में बताया जा रहा है कि आप क्विक सपोर्ट एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, कभी भी मत करिएगा अगर आप जानते नहीं है क्विक सपोर्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, क्विक सपोर्ट एप्लीकेशन उनको डाउनलोड करने के लिए बोला गया। जब ही उन्होंने डाउनलोड की क्विक सपोर्ट एप्लीकेशन, उसी टाइम में उनका फ़ोन का जो कंट्रोल है वो हैकर के पास चला गया, उनका फ़ोन को क्लोन कर लिया गया, और उसके बाद उसका फ़ोन के अंदर से जितना डाटा है वो डाटा पूरा हैकर के पास चला गया। जब एप्लीकेशन डाउनलोड हो गया, उनका एक्सेस हैकर ले लिया, उसके बाद उनको बोला कि सर आप एक रिचार्ज करिए, जिस तरह से आप अपना मोबाइल में रिचार्ज करते हैं ठीक उसी तरह आप एक 10 रुपये रिचार्ज करिए आपका नंबर में। तो उसी टाइम में हैकर लोग, उनका फ़ोन तो क्लोन होके है, मतलब उनका फ़ोन का जो डिस्प्ले फुटेज है वो फुटेज हैकर के पास है, वो देख रहा था उस टाइम में। तो उन्होंने रिचार्ज की, रिचार्ज करने के बाद जब फ़ोन काट दिया, उसी टाइम के अंदर उनका जो सेविंग्स था, उनका अकाउंट के अंदर जो बैलेंस था, फिक्स डिपॉजिट नहीं, जो बैलेंस था, 1,25,000 का एक मैसेज आया उनके पास, उनका बैंक से गायब हो गया। उसके बाद ही पता चल रहा है 3,70,000 अकाउंट से डेबिट हो रहा है, वो भी फिक्स डिपॉजिट से। तो उसी टाइम में
बैंक के पास गया। बैंक के पास जाने के बाद उनको पता चल रहा है कि आपका जो फिक्स डिपॉजिट था उसको तोड़ा गया है। उसको तोड़ के 370,000 रुपये हैकर ने ले लिया है। तो उन्होंने बोला कि मेरे पास फिक्स डिपॉजिट का सारा पेपर है, मैंने साइन नहीं की, तो किस तरह से पैसा चला गया। तो बैंक की तरफ से उनको बोला गया है कि फिक्स डिपॉजिट ऑनलाइन अगर आप कोई कस्टमर रिक्वेस्ट करता है तो उस टाइम में उनका फिक्स डिपॉजिट अनलॉक हो सकता है, मतलब फिक्स डिपॉजिट से आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो मेरे पास जो रिपोर्ट है, मैं रिपोर्ट के अनुसार बता रहा हूँ, यहाँ पे फर्स्ट टाइम 125,000 यहाँ पे उठाया गया, उसके बाद 370,000 उनका अकाउंट से उठाया गया। फिर बैंक के पास गया, डिटेल्स बोला, थाना में गया, पूरा रिपोर्ट की, बट उनको कुछ सुराया नहीं मिल रहा था। उसके बाद उन्होंने कंज्यूमर फोरम में कंप्लेन की और हम लोगों का कलकत्ता में जो लाल बाजार साइबर क्राइम डिपार्टमेंट है वहाँ पे भी रिपोर्ट की उन्होंने। रिपोर्ट करने के बाद उनका जो पैसा है थोड़ा पैसा बचा लिया गया है। और साइबर डिपार्टमेंट ने ये कहा है कि जिस टाइम में उन्होंने क्विक सपोर्ट एप्लीकेशन को डाउनलोड किया था, हैकर ने उनका फ़ोन को क्लोन कर लिया और उनका फ़ोन के अंदर जितना सारा डाटा है वो डाटा सारा डाटा हैकर ले लिया। और वहीं से हैकर को पता चला कि इनके नाम पे फिक्स डिपॉजिट है और उसी तरह उनका फिक्स डिपॉजिट भी तोड़ लिया। तो फ्रेंड्स, इस डिजिटल टाइम में किस तरह से आपको सावधान होना होगा आप सोच सकते हैं। ये जो स्कैम का न्यूज़ मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, फिक्स डिपॉजिट स्कैम, ये मैं फर्स्ट टाइम बना। फ्रेंड्स, ये जो स्कैम है फिक्स डिपॉजिट स्कैम, ये स्कैम एक्सपीरियंस मेरा एकदम फर्स्ट टाइम है। मैं आप लोगों को एकदम फर्स्ट टाइम दे रहा हूँ कि फिक्स डिपॉजिट के ऊपर भी इस ऑनलाइन स्कैम हो रहा है। तो फ्रेंड्स, सावधानी लेना होगा, नहीं तो इस डिजिटल टाइम में काफ़ी मुश्किल होगा आपको सर्वाइव करने में, डिजिटली सर्वाइव करने में। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं एक दूसरे को मदद करना तो वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन अगर किसी दूसरे के पास जाता है तो वो भी जान जाएगा कि फिक्स डिपॉजिट का भी ऑनलाइन स्कैम हो रहा है। हम लोग देखें कि एम वॉलेट या एटीएम से पैसा उठा लिया या बैंक अकाउंट से पैसा ले लिया, इस तरह का चीज़ हम लोग देखें, बट ये फर्स्ट टाइम कि फिक्स डिपॉजिट से भी पैसा उठा ले रहा है ऑनलाइन स्कैमर लोग। फ्रेंड्स, मैं एक प्रयास चला रहा हूँ ऑनलाइन स्कैम को रोकने के लिए और एक दूसरे को ऑनलाइन स्कैम रिलेटेड जानकारी देने के लिए कि किस तरह से ऑनलाइन स्कैम हो रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं एक जो प्रयास चला रहा हूँ यहाँ पे, टेक डिस्टर्ब कॉल किंग, फ़ोन करेंगे, फ़ोन करके उनको बताएंगे और उनसे ऑनलाइन स्कैम करने का कोशिश करेंगे। देखेंगे कि जब मेरी बातों में आ जा रहा है उसी टाइम में उनको बताएंगे कि आप लाइव हैं आई एम अ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल में और आपके साथ ऑनलाइन स्कैम हो जाता। अगर मैं नहीं होता तो, अगर स्कैमर होता तो आपके साथ ऑनलाइन स्कैम हो जाता। तो मैं टेक डिस्टर्ब कॉल किंग उनको मैं बना दूंगा और उनको मैं फुल जानकारी दे दूंगा कि जिस तरह से आप हमसे आपका पर्सनल डिटेल शेयर कर रहे थे इस टाइम में फ़ोन में, कभी भी इस तरह का शेयर नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपका फ्रेंड्स फैमिली या आपका अड़ोस पड़ोस कोई भी अगर है तो उस टाइम में आप कॉमेंट कर सकते हैं, जिसको फ़ोन करके कुछ ही टाइम के अंदर पकाया जा सकता है। कुछ लालच भरा बात अगर उनको देंगे या कुछ डराएंगे कि आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया है या आपका एटीएम कार्ड ब्लॉक हो गया है, वो बातों में आ जाएगा, तो आप कमेंट कर सकते हैं हमको। नहीं तो मेरा वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए और एक मैसेज छोड़ दीजिए, मैं आपसे कॉन्टैक्ट कर लूँगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो, ये जो फिक्स डिपॉजिट स्कैम है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को एक दूसरे के साथ जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन, ये जो स्कैम है एकदम लेटेस्ट है। अगर आप जानकारी एक दूसरे को दे दीजिएगा तो इसके बारे में अगर ज्ञान रहेगा तो कभी भी उनके पास कॉल आ सकता है, तो उस टाइम में बच सकता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं इस तरह का टेक वीडियो डेली आप लोग लाता हूँ जो आपका काम पे आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग आई एम अ ट्रेडिंग वीडियो। सोशल मीडिया में फॉलो कर सकते हैं।